वंशे विभूषित करात नवनीरदा भात पीताम्बरात अरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णंदु सुंदर मुखात अरबिंद नेत्रात कृष्णा अत परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने ए जगत रे कृष्ण मूर्ति ठारु अधिक अनुपम मूर्ति र किछि संधान आम मुनि ऋषि माने पाइनाहंती आम शास्त्र कहुछंती श्री विग्रह दृष्टिरु सर्वोच्च तत्व जेपरि श्री कृष्ण आहा नाम संकीर्तन मध्यरे तद्रूप कृष्ण नाम सर्वोच्च शक्तिशाली ए कृष्ण नाम अधिक मधुरता प्राप्त हुए गोविंद उच्चारण रे आसंतु गोविंद नाम कीर्तन करी आमर बाणी को सफल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय शंकर की जय जय काशी वासी दीप शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय मधुरया गिरा बलगु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी मा वीर मुह्यति रधर सीधुना पायस्वन श्लोकटे परवर्ती पर्याय ब्रजांगना मैने गान कर मुह्यमाना ब्रजवाड़िका गण सबकि भूली जा कृष्ण चिंतन रे सेमानंकर अंतकरण भितरे कि भाव जात हेछि बोधे चिंता करुछन्ति हृदय दुख स्पर्शरे दूर हब सत किंतु संपूर्ण रूपे तो दूर हब नहीं ए भावावेग को ब्रजांगना मानकर उत्तम रूपे अनुभव करील जगन्नाथ दास गोस्वामी बड़ मनोहर कंठ से गान कर भागवत शुणे Oh,
या बलगुवाक्य या बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण ए मधुधारा झरी पड़ी ब्रज व्यास ने कृष्ण प्रणयने गोपिका मान मधुर पुष्करे क्षण कमल लोचन अह मुहरु झरी पड़ा दुईपद कथा कि स्वादु कि मधुर श्याम बंधु ये जगत रे किए कथा न कहुचे समस्ते कथा कहते जड़ पदार्थ माने मध्य विविध ध्वनि सृष्टि करते किंतु इति मिठा तुम वाक्य स्वादु कौट आसुचे क्यों ठारू झरी पड़ू वाक्य गुड़िक जे मन प्राण हृदय को शीतल करदे शुणीदे कान भगवान मुखर निर्गत वचनावली कान को केड़े श्रुति सुखकर हुए ता बुझा सहज कथा नुए भगवान मुहर बाणी शुणिना जे शुणी से झुरु झुरी झुरी कौन कहू कृष्ण मुख निर्गमन बाणी स्वादुता संबंध में तार कि अनुभूति अच्छे जड़े विदग्ध कवि कह मंजुराधरी सते भारती मुआगे विराजना जब धरती मकर्णे बाहार मूल्य कांत मधुरा भाषा पदक तुल्य कृष्ण मुख निर्गत बाणी पदुटे भक्त प्राण रे कि भलिया सुख दिए मंजुल बिना धरी शहेटी सरस्वती एकावल जब मूर्छना तोलती से मधुरता कृष्ण मुख वाक्यर मधुरता तुलन रे किछि नहि श्याम सुंदर एभलिया वाक्यर मधुरता सह तुमर जो बलगु वाक्य बड़ी बलगु वाक्य रसाल परिहासात्मक प्रीति सूचक वाक्य को बलगु वाक्य कहा जाए जेपरी शिशुर अबोध शिशुर अल्प उच्चारित भल कथा कही पारे से समय तार कल वाक्य कहुए कल ध्वनि दरोटी भाषा तद्रूप जदि कौन रसिक शेखर तार प्रणयन की प्रीतिसूचक श्रृंगारात्मक भावमयी वाक्य जोड़िए कमी कहीदेला वाक्य को कहुए बलगु वाक्य श्याम सुंदर कते बलगु वाक्य शुणी केते स्थान रे तुम्हें केते कथा कहिछ हे राधे तुम्हें मोर जीवन सर्वस्व हे गोपांगनांगण तुम्हें बाम्य भाव में थाओ मोर प्रतिकूल हो किंवा दक्षिण भाव में थाओ मोर अनुकूल हो तुम्हें मोर प्रीति प्रदायनी हुआ बा अभिमानी हुआ जेकोसी अवस्था थाओ हे गोपीगण तुम्हें मोर प्राणर प्राण जीवनर जीवन हृदय सर्वस्व एकादृश बलगु वाक्य कान में शुणी श्याम सुंदर से वाक्य गुड़िक शुणी आमें केवल मुग्ध हो जाऊ एक तुम्हें कहपार श्याम सुंदर
अरे तुम्हें तो प्रणयाकांक्षी प्रीतिपरायण स्नेह लाड़ी किशोरी गुड़िक तेणु मोर वाक्य तुमको सुख लगे नाई मो श्याम बंधु आम सिना या हेलु मुनि ऋषि मानी जो मैंने ब्रह्मज्ञान परायण योग साधन रे सिद्ध कठोर वैराग्य युक्त सर्वत्यागी जो मानकर सुख संभव प्रति भोग विलास प्रति किंचित लालसा नहीं सी आपण बाणी शुणी कौन मुग्ध हो जाते ना बुध मनोज्ञ बुध ब्रह्मज्ञ मुनि ऋषि माने तुम बाणी श्रवण रे तुम अनुमत हो जाती तुम वशीभूत हो जाती तुम्हें जहा कह ता करते श्रीकृष्ण तुम सखा अर्जुन कण कम धैर्यवान व्यक्ति एक बाण रे विश्व को जय करा भाया शक्ति धारण करुवा पार्थिव ज्ञान रे कम नुहते श्रीमद भगवत गीतार तम मुहर चारिपद बाणी शुणी निज भाई बंधु पिता पितृव्य एपरिक साक्षात गुरुदेव पितामह विश्वं विरुद्ध दंडायमान हेले तो तुम वाक्य मुग्ध हेनि बुध मनोज्ञा जदि तुम ज्ञान गर्भव शास्त्रोपदेश जड़े वीर पुरुष विश्वर सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुष मुग्ध हो जा तुम वशीभूत हो जा तुम अधीन हो जाशेष कृष्ण कृष्ण करिष्य वचनं तब करिष्य वचनं तब तुम्हें जहां कह करी तुम्हें जहां कह करी अर्जुन एक कथा कहना श्याम सुंदर तुमको तुम वाक्यर एक प्रभाव आम तो अबला दुर्बला स्नेहशिला तुम पाखे प्राण को बिक्री कर दीचु तुम वाक्यर आम एक मुग्ध हो जाइु वीर हे दान वीर गोटे वस्तु मांगू दबनी श्याम सुंदर दबनी श्याम बंधु दियो दियो तुम्हें जे दानवीर ए वाक्य को प्रमाण कर कौन मागुचंती कौन मागिबापाई ब्रजवनिता गण एते उपक्रमणिका करुछंती कथाटी कही पारुनाहंती स्पष्ट कहरे जदि कृष्ण या कहती कौन तुम आवश्यक दान तुम्हें मगुच कह श्याम सुंदर कहू कह तुम अधर सुधा बिंदु दि तुम अधरामृत दिन आम प्राण धारण करने समर्थ नु अधर सुधा कौन कर श्याम सुंदर आम तुम प्रीति व्याधि पीड़ित तुमको प्रथम कहलु आम मस्तक टे शिव स्थापन कर द्वितीय श्लोक कहलु तुम सुंदर मुह टे देखाओ तृतीय कहलु आम हृदय मंडल तुम सुंदर पाद स्थापन कर किंतु आम व्याधि एत नदी दूर हम ना श्याम सुंदर रोग तो उत्कट यदि सामान्य रोग होंशा पाउसा करदे दूर रोग जदि आए उत्कट हुए केवल मस्तक हाथ दे आशीर्वाद टिके करदे दूर हुए ना क
କିଛି ମଣେ ମନ୍ତ୍ର ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଲେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତୁମ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହେଁ, ତୁମର ନିଶ୍ୱାସ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ସେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲା ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ତେଣୁ କହିଥିଲୁ ଜଳରୁହାନନମ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ, ତୁମ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାଅ, ଆମ ହୃଦୟର କାମ ବ୍ୟାଧି ସେତିକିରେ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି କହିଲୁ। ରୋଗ ଆଉ ଉତ୍କଟ ହେଲେ କିଛି ମାଲିସ କଲେ, ଘଷାଘଷି କଲେ, ତୈଳାଦି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ହୃଦୟ ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଆମର କୁଚମଣ୍ଡଳରେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଲେପନ ଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ଯେ ମଦନ ବ୍ୟାଧି ଜାତ ହୋଇଛି, ଏହାପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ଔଷଧ ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଔଷଧ ଭକ୍ଷଣ ନ କଲେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଲେପ ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ ଛୁଇଁଦେଲେ, ଲେପ କରିଦେଲେ, ହୃଦୟରେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଏ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଦିଅ ଦିଅ, ତୁମ ଅଧର ସୁଧା ଦିଅ, ତୁମର ଅଧର ଅମୃତ ପାନ କରି ଯଦି ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ କରିଦେଉ, ଢୋକି ଦେଉ, ସେ ତ ହୃଦୟ ଦେଇ ଗର୍ଭକୁ ଯିବ, ତା ପଥରେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ବ୍ୟଥା ଦାରୁଣ ବ୍ୟାଧି ସେଇ ଔଷଧରେ ହିଁ ଭଲ। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଅମୃତ ଅଧରାମୃତ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବିଦ୍ୟମାନ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯାହା ଦେବତାମାନେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ଅମୃତ ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରେ, ଅଧରାମୃତ କରେ ନା? ଏହା କହୁଛ କୃଷ୍ଣ? ଚତୁର ଚୂଡ଼ା ଭଳି ତୁମେ କଥା କହିଲା, ସେଇ କଥାରେ ତ ଆମକୁ ମୋହିତ କରିଛ। ବିଧି କରିନି ମା ବୀର ମୁହ୍ୟତି, ଆମେ ଦାସୀ ହେଇଯାଇଛୁ ତୁମ ଚରଣରେ। ଏଇ କଥାରେ ତ, ଏଇ ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏଇ ବଲ୍ଗୁ ବାକ୍ୟ, ଏ ମନୋଜ୍ଞ ଭାଷା, ଏ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ନେହ ବୋଳା ଭାଷାରେ ଆମେ ତ ନିଜକୁ ବିକି ଦେଇଛୁ। ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ବିକା ହେଇଛୁ ତୁମ କଥାରେ ଜାଣୁ। ମଧୁବାବୁ ମାଧବିକା ଯେମନ୍ତ ତେମନ୍ତ ମୋର ଜୀବିକା, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ହୋଇଛି ବିକାଶ ଜନୀ। ବିଧି କରିଲି ମ, ଆମେ ଗୁଡାକ ତୁମର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାସୀ, ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାସୀ, କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନେଇ ନିଜକୁ ତୁମ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ, ତୁମର ଦାସୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାରିକାଟିଏ କିମ୍ବା ଭୃତ୍ୟଟିଏ ଯଦି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରଭୁ କଣ ତା ଦିଏ ନା? ମାଲିକ କଣ ତା ଦିଏ ନା? ଯଦି ସେ ଠିକ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ପରିଚାରିକା ଠିକ ପରିଚାରିକା ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ପରିଚାରିକାକୁ, ନିଜର ଦାସକୁ, ନିଜର ଦାସୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ମାଲିକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାଣସମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମେ ତୁମର ବିଧି କରି ସେବିକା ପରିଚାରିକା ତୁମ ଅଧରର
ଅମୃତ ଟିକିଏ ପାନ କଲେ ହୃଦୟ ମିଥ୍ୟା ଦୂର ହବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଔଷଧ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମୃତ କଥା ଯେ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମୃତ ଦେହର ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରେ, ମନର ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରେ ନା। ଦେହ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମେ କଣ ଦେହ ଭୋଗ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଏ ଆତ୍ମା ଖୋଜୁଛି, ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଖୋଜୁଛି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ କେବଳ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ତାର ଛାତିରେ ବିଜଳିତ ହୋଇଯିବାକୁ, ତାର ଗଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ, ତାର ଅଧରରୁ ଅମୃତ ଧାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ଗୋପୀଗଣ, ଆଉ କଣ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଦାନବିଦଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉକ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା।